दौसा जिले में अंधड़ और बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और जगह जगह हादसे भी हुए हैं। दौसा जिले के सलीमपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका सलीमपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वहीं दौसा जिले के नामनेर गांव में भी दीवार गिरने से 3 लोग दब गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इसी तरह जगह जगह टीन टप्पर उड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है। दौसा जिले के कई गांवों में टीन टप्पर उड़े हैं, जिनमें गांगदवाड़ी के साथ साथ जिले के महुआ और सिकराई उपखंड के दर्जनों गांवों में टीन टप्पर उड़कर सड़क पर आ गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं अंधड़ और बारिश के कारण बिजली के पोल भी धराशायी हुए हैं और ट्रांसफार्मर भी गिर गए हैं, जिसके चलते कई घंटों तक बिजली आपूर्ति भी बंद रही है। वहीं लोगों का कहना है कि रात के समय यह अंधड़ आया था और इस अंधड़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं जिले में जगह जगह बारिश और अंधड़ आने से काफी नुकसान भी हुआ है। कल रात को करीब 10:30 बजे से पुलिस थाने पे इत्तला मिली थी कि एक युवक की शव है वो जो खेत में पड़ा हुआ है। तो मौके पे पुलिस पहुंची, वहाँ CO साहब भी मौके पे उपस्थित रहे। शव और आसपास की स्थिति देखने से ऐसा लगा कि ये आकाशीय बिजली गिरने से उस युवक की मृत्यु हुई है। रात को अंधेरा होने के कारण बड़ा गांव CSE में उसका शव नहीं रखवाया जाकर महुआ लाया गया, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है, जैसी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।